थाना ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत एक पंचायत में 22 वर्षीय युवती ने पंखे पर लटककर अपनी ही लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है और सीआरपीसी 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। साथ ही युवती द्वारा फंदे के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी को भी कब्जे में ले लिया गया है। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार उक्त युवती द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम के बाद परिजनों द्वारा आनन-फानन में उसे ज्वालाजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि युवती ने जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया उस समय वे घर पर अकेली थी, जबकि परिवार के सदस्य खेत में काम कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में टीम मामले के लिए जांच करने पहुंची। पुलिस के अनुसार युवती के पास उन्हें किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे ये केस साफ हो चुका है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्वालाजी के साथ लगते वार्ड नंबर 5 में एक व्यक्ति द्वारा गलती से जहरीला पदार्थ खाने का मामला भी सामने आया है। इस बीच जब तबीयत बिगड़ी तो उसे परिजन टांडा अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि अब व्यक्ति की हालत में सुधार है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों और अन्यों के बयान भी दर्ज किए हैं। आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी पुष्टि डीएसपी तिलकराज ने की। जिला कांगड़ा और सुलह विधानसभा क्षेत्र के कोना पंचायत में बाशिंदों को अपने आने जाने के लिए न्यूगल नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार बुजुर्गों को। समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद न्यूगल नदी पर 20 मीटर लंबा लोहे और लकड़ी का बरसात के दिनों में पुल बनाया था। इससे अब वे एक घंटे की दूरी महज 10 मिनट में तय कर सकते हैं। कोना पंचायत के बसिंदों ने वर्षों से न्यूगल नदी पर स्थायी पुल की मांग की है। न्यूगल नदी पर लोहे और लकड़ी का पुल बनाने में लगभग हर साल 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है, जिसे गांव के लोगों ने खुद ही मिलकर वहन करते हैं। ये पुल हर साल नदी में बरसात के दिनों में बह जाता है। इस लकड़ी और लोहे की पुलिया से रोजाना बड़ी तादाद में लोग नदी पार कर अपने कार्यक्षेत्र और काम से थुरल कॉलेज बस स्टॉप तक जाते हैं। पंचायत वासियों का कहना है कि न्यूगल नदी पर स्थायी पुल के निर्माण की मांग वर्षों से वे सरकार से कर रहे हैं, परंतु आज तक उनकी मांग नहीं मानी गई। पंचायत के लोगों को हर साल नदी पर लोहे और लकड़ी की पुलिया बनाने में लगभग 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है, जिससे वे स्वयं वहन करते हैं, परंतु बरसात के दिनों में पुलिया बह जाती है, जिस कारण ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जो कि जंगल वाला रास्ता भी है। कोना पंचायत के लोगों ने मुख्यमंत्री से यहां स्थायी पुल निर्माण करने की मांग की है और कहा कि पुल बन जाने से उन्हें आने जाने की अच्छी सुविधा होगी और लगभग आधा दर्जन गाँव के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। सोलन का दिल कहे जाने वाले माल रोड जिसे जिला प्रशासन सुंदर और स्वच्छ बनाने की बात करता है, लेकिन ये माल रोड शहर के लिए ग्रहण बनता जा रहा है, जहां नालियां खुली हैं और नालियों में गंदगी देखी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार माल रोड एसोसिएशन जिला प्रशासन के पास जाकर इसकी शिकायत भी कर चुका है, लेकिन महज आश्वासन देकर व्यापारियों को घर भेज दिया जाता है। लोक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि नालियां पहले ढकी हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने नालियों को चौड़ा करने की मुहिम चलाई, जिसके चलते माल रोड पर नालियों को तोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक ना नालियां बनी ना ही इन्हें ढका गया।
जब नालियों को तोड़ा जा रहा था तो व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन व्यापारियों की किसी ने भी नहीं सुनी। व्यापारियों ने इस मौके पर कहा कि सोलन के माल रोड पर नालियां खुली पड़ी हैं, जिसमें गंदगी यहां आने वाले पर्यटकों और मेहमानों का स्वागत करती हैं। उन्होंने कहा कि नालियां इतनी चौड़ी हैं कि स्कूली बच्चे और राहगीर भी इन नालियों में गिरकर चोट खा सकते हैं। यही नहीं, दुकानों का सामान भी नालियों में गिर रहा है, जिस कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने नालियों को करीब 2 वर्ष पहले तुड़वा तो दिया था, लेकिन उसके बाद इसे ठीक नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से वे जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है।